ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल मध्य प्रदेश द्वारा वृद्धा आश्रम में जाकर सेवा कार्य किया गया। प्रभु यीशु परमेश्वर के बताए मार्ग पर चलकर काउंसिल के सदस्यों ने सेवा भाव से वृद्धों की सेवा की। स्तुति चेयुट कादु आराधना देवन पन चेयुट ये आराधना गमनिंचु देवुनि मनसुलो आवेदना विनिपिंचु ईसुवतनु प्रतिवेदना वर्षिप देवुनि तो फेलोशिप वर्किस वर्षिप देवुनि तो फेलोशिप आराधना आराधना आत्मनु रक्षिंचु दये और यहाँ पर जो लोग आते हैं वो हमारी माता बहनों माताओं की सेवा भाव के लिए आते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। उम्र के इस पड़ाव में लोगों को लगता है कि हमें अपनापन मिले। देवन पन चेयुट ये आराधना काउंसिल के सदस्यों ने बताया कि प्रभु यीशु ने मानव सेवा का संदेश दिया है और यही सच्ची सेवा है। आज हम लोग जो कार्यक्रम यहाँ पे कर रहे हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो सिखाया है कि गरीबों की अनाथों की उनकी मदद कीजिए। जैसे कि भारत देश में मदर टेरेसा हैं, उन्होंने कैसे समाज में काम किया है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह को वचन के अनुसार जो है हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं, आज फलों का वितरण जो कर रहे हैं यहाँ वृद्धाश्रम में, हमारा उद्देश्य यही है कि हमें जब प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाया है उसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम को हम लोग कर रहे हैं। जय मसीह। जैसा आप सभी जानते हैं, ये छोटा सा कार्यक्रम जो हमने आयोजित किया है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमने जो बाइबल में सीखा है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो सिखाया है, गरीबों से अनाथों से बुजुर्गों से किस तरह का प्रेम हमें रखना है, उस प्रेम को हम आगे बढ़ाते हुए इस छोटे से कार्यक्रम का आयोजन किए। यहाँ पर आप सभी ने देखा है फल फ्रूट वगैरह का वितरण किया गया है, ये किसी विशेष संस्था या हमारी बढ़ाई के लिए नहीं किया गया है। सभी लोग जितनी माताएं बहनें बैठी हैं उन सबको हमने फल वितरण इसलिए किया है कि हमने जो प्रेम बाइबल से सीखा है हम चाहते उस प्रेम को समाज में सिखा सकें और दिखा सकें। अपने ट्रस्ट के प्रधान में आज यहाँ वृद्धाश्रम में हमारी बुजुर्ग माताओं को फल वितरण कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने हम लोगों ने, और ये ट्रस्ट का निश्चित तौर से ये बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है, और ये ट्रस्ट जो है ऐसे कार्य लगातार कई वर्षों से करते आ रहा है। आज उनके सदस्यों द्वारा हमको भी यहाँ बुलाकर माताओं का, हमारी बुजुर्ग माताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ हमको भी, और ईश्वर से हम भी प्रार्थना करते हैं कि सदैव हमारा जो जीवन है, हमारे जो बुजुर्ग लोगों के आशीर्वाद और बुजुर्गों की सेवाओं में सेवा में जाए। ये बुजुर्ग ही होते हैं जिनसे हमें सीखने को मिलता है, प्रेरणा मिलती है। काउंसिल के सदस्यों ने वृद्धाश्रम के वृद्धों को फलों का वितरण किया और पुण्य प्राप्त किया।